एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ आउटरीच। तो एक टाइम की बात है कि एक फार्मर था, उसके पास 15 काउस थी। वो डेली अपने फार्म हाउस में उन काउस को रोप से बांध के रखता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसके फार्म हाउस में अचानक से आग लग जाती है। तो अब वो फार्मर सोचता है कि मैं खुद बचूं कि अपनी काउस को बचाऊं। तो वो सोचता है कि मैं अपनी काउस की रोप खोल देता हूँ, वो खुद से वहां से भाग जाएंगी और मैं फिर खुद बच जाऊंगा। लेकिन वो काउ की रोप खोल देता है, उसके बावजूद वो काउस वहां से भागती ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो बंधी ही हुई हैं। दे आर कन्फाइंड, दे आर सब्जुगेटेड। अगर इस सिचुएशन को हम लोग अपने आसपास की जगहों में ढूंढें, तो वी कैन फाइंड अ रिलेटेबल सिचुएशन अराउंड अस आल्सो। देयर आर सम वुमेन जो एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि दे आर समवॉट लेसर, दे आर सब्जुगेटेड, दे आर इन ऑप्रेस्ड क्लास। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाकी कई लेजिस्लेशंस वुमेन को स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है अंडर इंडियन लॉज, लेकिन वुमेन डू नॉट वॉन्ट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। दे हैव एक्सेप्टेड दैट दे आर ऑलवेज सब्जुगेटेड एंड दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि देयर इज मेल वन एंड दिस इज मेल टू। मेल टू मेल वन पे अटैक करता है। तो यूजुअल सी बात है, आप किसी पे अटैक करोगे तो जिस पे अटैक हुआ है दैट पर्सन विल फाइल अ केस। अगर मेल वन जिस पे अटैक हुआ है वो केस फाइल करता है, तो उसको कुछ लोग ये नहीं कहेंगे कि ही इज एंटी मैन, ही इज ऑल्सो फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अ मेल, देन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एंटी मैन। बट इफ अ मेल अटैक्स अ फीमेल एंड सिमिलरली अ फीमेल फाइल्स अ केस अगेंस्ट मैन अगेंस्ट अ मेल, देन शी विल बी कंसिडर्ड एज एंटी मैन। व्हाई इज इट सो? अब चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम मशीन से पीछे ले चलती हूँ। पहले के टाइम में क्या होता था, देयर वर अर्ली ह्यूमंस, अर्ली मेन, अर्ली वुमेन। वो लोग केव्स में रहते थे, वो लोग खाना पका के नहीं खाते थे। यूजुअली एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स ऑफ दैट टाइम, टाइगर्स, डायनासोर्स यूज टू अटैक देम। तो उस टाइम पे मेन की फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से उनको प्रोटेक्टर्स ऑफ द फैमिली का रोल ग्रांट किया गया। दे यूजुअली वेंट आउट ऑफ देयर केव्स एंड ब्रॉट फूड फॉर देयर फैमिली। लेकिन अब टाइम मशीन से वापस आ जाइए प्रेजेंट टाइम में। आजकल आपको कोई भी केव दिखती है? आपको ऐसे कोई अर्ली मैन अर्ली वुमेन रोड पे नेकेड घूमते दिखते हैं? नहीं ना। आज हम लोग टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्ट ड्रिवन वर्ल्ड में रहते हैं, एंड नाउ देयर इज नो नीड फॉर मैन टू बी आर सेवियर्स। वी कैन सेव आर सेल्व्स, वी कैन स्टैंड फॉर आर सेल्व्स। और स्लोली जो मेन का प्रोटेक्टर्स का रोल था, ये ऑप्रेसर्स की तरफ बढ़ता चला गया। मेन, इंक्लूडिंग विमेन ऑल्सो, बिगन टू थिंक दैट मेन आर सुपीरियर देन विमेन। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। और फेमिनिज्म का बेसिक मीन्स क्या है? इट इज नॉट एंटी मेन, इट इज एन आइडिया, इट इज अ बिलीफ, इट इज अ थिंकिंग विच प्रिफर्स इक्वालिटी। अगर मेन को भी हम लोग सब्जुगेटेड फील करा रहे हैं तो उसको भी बराबर ले आइए, और अगर फीमेल को सब्जुगेटेड फील करा रहे हैं तो उसको भी बराबर ले आइए। दे बोथ शुड बी इक्वल, नन ऑफ देम इज सुपीरियर। इन फैक्ट फेमिनिज्म इज एंटी पेट्रियार्की, एंटी सेक्सिज्म और एंटी डिस्क्रिमिनेटरी। जरूरी नहीं है कि फेमिनिस्ट कोई फीमेल ही हो, अ मेल कैन ऑल्सो बी अ फेमिनिस्ट। एक ऐसा पर्सन फेमिनिस्ट है हु प्रिफर्स जेंडर इक्वालिटी, हु डज नॉट प्रिफर जेंडर इनइक्वालिटी। आई होप यू गॉट माय वर्ड्स एंड अंडरस्टूड दैट वेयर दिस बेसिक आइडिया ऑफ फेमिनिज्म रिवॉल्व्स अराउंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।